हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। मेरा नाम है पूजा। आज की इस वीडियो में, जैसे कि आप ये ऑर्गेनाइज़र देख सकते हैं, ये है जॉयफुल स्टूडियो का, जो कि मैंने लिया था अमेज़ॉन से काफ़ी पहले, और वीडियो भी मैंने काफ़ी पहले शूट की थी, और तब से अब तक लेकर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसका प्रॉपर रिव्यू और इंस्टॉलेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें ये छोटे छोटे पार्ट्स में आता है एक बॉक्स के अंदर जॉयफुल स्टूडियो का, जो इस वीडियो में मैंने शूट नहीं किया। प्रॉपर अच्छा खासा बॉक्स है, काफ़ी स्टर्डी था, और ये ऐसे उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। चार उसमें ड्रॉर्स हैं, जैसे पिक्चर में दिखाए हैं एग्जैक्टली वैसा ही है। क्वालिटी प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा अच्छी है, और प्राइस रेंज MRP आई थिंक इसका है more than 2000 इसका MRP है। मैं आपको भी बताती हूँ एग्जैक्ट MRP इसका कितना है। एग्जैक्टली है इसका MRP 2155 रुपीज़, लेकिन अमेज़ॉन पर मैंने, याद नहीं है मैंने कितने प्राइस में ख़रीदा था, कम ही प्राइस में ख़रीदा था। सेल चलती रहती है, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसका जो परचेसिंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसको इंस्टॉल करना। फ़र्स्ट टाइम में मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया था। ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिखे, जो मैंने फ़िक्स किए, एक साइड से उनकी लेंथ ज़्यादा है, एक साइड से थोड़ी सी कम है, तो वो ध्यान से कीजिएगा। सेम विद दीज, जो ये छोटे छोटे रॉड्स टाइप हैं प्लास्टिक के, तो उनको भी ऐसे ही करना है। जिस जैसे आप देख लीजिएगा, जिधर का साइज़ ज़्यादा है, एक साइड से थोड़ा सा कम है, एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो फ़िक्स कीजिएगा। फिक्स तो हो जाएंगे अगर आप उल्टा करेंगे तो, पर आपको फिर बाद में पता लग जाएगा, तो इसलिए पहले आप ध्यान से कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही स्ट्रक्चर को हमें सेट करना है, ड्रॉज उसके बाद में आएंगे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर सिमिलरली यही इसके ऊपर सेट करते जाएंगे। पहले ये जो चार स्ट्रक्चर्स दिए हैं, जिसके ऊपर ये एक बेस रखा जाएगा जिसमें ड्रॉज फिक्स होंगे, वो करना है। और ये काफ़ी, अगर आप ज्वेलरी है आपके पास वो ऑर्गेनाइज़ करनी है, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, या बच्चों के टॉयज़ हैं, या छोटे बच्चों के क्लॉथ्स हैं, तो वो इजीली इसमें हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है मल्टी कलर रखा हुआ घर में, ख़राब भी नहीं दिखता है, और बहुत ही इजीली इसको आप क्लीन भी कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, काफ़ी स्पेशियस है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगा। मैंने मुझे एक साल से ज़्यादा हो गया इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, तभी मैंने वीडियो भी शूट की थी। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सेट हो चुका है। अब मैंने गड़बड़ क्या की थी यहाँ पे, मैंने ये थोड़ा सा जो फ्रंट साइड का जो पार्ट था, ये स्ट्रक्चर, वो मैंने बैक साइड में ले लिया था एक दो का, और बैक वाला फ्रंट में। अब मैंने इसको ठीक किया है फिर से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें हम ड्रॉर्स को फिक्स कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे, जैसे भी आपको कलर्स अच्छे लगते हैं, जहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं, कहीं पर भी कोई भी कलर फिक्स हो सकता है, जिस भी अकॉर्डिंग आपको, जो भी कलर जहाँ पे चाहिए आप वो फिक्स कर लीजिएगा। और ये मैंने दोबारा से, मुझे सेट करना पड़ा था, मैंने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी थी, थोड़ा सा उल्टा सेट कर दिया था। अब इसके बाद ड्रॉर्स आप ऐसे सेट कर लीजिएगा, मुझे इस तरीके से कलर्स अच्छे लगे, नीचे ब्लू, उसके ऊपर फिर पिंक, देन आई थिंक ग्रीन, यस ग्रीन लिया था मैंने, उसके बाद ये येलो कलर। तो आप कोई भी चेंज भी कर सकते हैं इसमें, और मेरी एडवाइस यही है कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने इसमें कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आपके घर में आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो हम ढूंढते रहते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको अच्छी लगी हो, लगी तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हिट कर दीजिए बेल बटन, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली इस वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव।